सो गाइस गैजेट जोन में आज बारी है आपके फेवरेट कूल आरसी गैजेट्स एंड कमाल के आरसी टॉयज की। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये आरसी टॉयज बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बड़ों के लिए है, बुड्ढों के लिए है। सो लेट अस बिगिन। एंड हाँ, सारे कूल आरसी गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स मैंने डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ लेट अस बिगिन विद गैजेट नंबर 1, जो कि होने वाली है ये सेल्फ स्टेबिलाइजिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग आरसी बाइक। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है दोस्तों, इसमें एक ड्राइवर भी बैठा रहता है। लेकिन मजे की बात ये है, ना ही इसमें कोई एडिशनल सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं, ना ही कोई स्टैंड होता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी ये बाइक फुल ऑन स्टेबिलाइज्ड रहकर चल तो सकती ही है। प्लस इससे आप स्टंट्स भी कर सकते हो, लाइक व्हीली मार सकते हो। एंड ये बिल्कुल भी नहीं गिरती है, चाहे आप किसी भी टफ से टफ टेरेन में चला लो। ये आती है दो कूल कलर्स में, ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में और ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन में। वहीं बात करें इस कूल रिमोट कंट्रोल बर्ड की, तो गाइज ये दिखने में एक बायोनिक बर्ड जैसी लगती है। मतलब एक्चुअल में बायोनिक नहीं, ये एक आरसी बर्ड है। ये कंट्रोल होती है अपने 2.4 गीगाहर्ट्ज के रिमोट से। तो सिंपली इसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद एक सिंपल से प्रोसीजर से ये अपने रिमोट से कनेक्ट हो जाएगी। एंड एक बार कनेक्शन बन जाए तो फिर क्या, इसे लेकर जाओ किसी खुले मैदान में एंड वहां पर इसे आप उड़ा सकते हो। इसके पंखों का मूवमेंट बिल्कुल ही एक नेचुरल बर्ड के मूवमेंट को मिमिक कर देता है। ये कई फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, इतनी ज्यादा कि हो सकता है कि आपकी आंखों से ओझल हो जाए। लेकिन एक चीज की इसमें आपको थोड़ी सी जो केयर करनी पड़ेगी वो ये है कि उड़ते उड़ते ये कहीं पर क्रैश ना कर जाए, क्योंकि अगर ये पेड़ों में जाकर फंस गई तो फिर इसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल गाइज, अगर आप फ्लाइंग आरसी टॉयज में ड्रोन वगैरह से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो, देन अमेज़न से इस आरसी बर्ड को डेफिनेटली ले सकते हो आप। और भाई अब देख लेते हैं आरसी कार्स की दुनिया के राजा को। ये है ट्रैक्सस की तरफ से आने वाला मैक्स, एक बैड एस रगेड और टफ आरसी ट्रक, या इसे आप एक आरसी कार भी कह सकते हो। इसमें लगे होते हैं जायंट फैट टायर्स, जिनकी मदद से इसकी ग्रिप किसी भी खराब से खराब अनइवन टेरेन पर भी इतनी तगड़ी बनती है दोस्तों कि ये डिसबैलेंस तो होता ही नहीं है। इससे आप कमाल के स्टंट्स कर सकते हो, खुद के अपने रेसिंग ट्रैक्स बनाकर उन पर से इसे जंप करवा सकते हो। ये कमाल के स्टंट्स करती है, जंप मारने के बाद ये पूरा 360 डिग्री रोल कर जाती है, मतलब उल्टी होकर जमीन पर नहीं गिरती। और मान लो अगर उल्टी गिर भी जाए तो वापस से अपने आप सीधी हो जाती है। मतलब ये एक बहुत बहुत ही ज्यादा हाई एंड आरसी कार है, और इसे संभालने के लिए मतलब आप किसी बच्चे के हाथ में रिमोट बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ये खुद से आपको ही चलानी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाली आरसी कार बड़ों के लिए है, और अगर आपको इसकी फुल पावर को देखना है, उसे एक्सप्लोर करना है, तो फिर आपको इसे किसी बहुत ही बड़े एंड खुले ग्राउंड में ले जाना होगा। वहां पर चाहे कीचड़ हो, पानी हो, कुछ भी हो, कैसा भी टेरेन होगा, इजीली वहां पर ये चलेगी। और इसे चलाने में, इसे स्टंट्स करने में, जंप्स मारने में आपको बहुत बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग एंड एक्शन पैक्ड आरसी ट्रक है दोस्तों। वहीं बात करें इस कूल हेलीकॉप्टर की, तो भाई देखने में हो सकता है ये आपको एक नॉर्मल सा टॉय हेलीकॉप्टर लगे, बट इट्स नॉट गाइज। ये एक फ्यूचरिस्टिक आरसी हेलीकॉप्टर है जो कि किसी भी एंगल में उड़ सकता है। अब एंगल से यहाँ मेरा मतलब ये था कि नॉर्मली तो आरसी टॉयज आपने देखे होंगे, आरसी हेलीकॉप्टर्स सीधे उड़ते हैं, लेकिन इसे सीधे के अलावा आप पूरी तरह से इन्वर्टेड करके कुछ इस तरह से भी उड़ा सकते हो, यानी पूरी तरह से उल्टा होकर भी ये उतनी ही स्टेबिलिटी के साथ उड़ता है जितना कि ये स्टेबल तब होता है जब ये सीधा उड़ता है। इसके साथ आपको एक काफी बड़ा सा रिमोट मिल जाएगा जिसमें एक डिस्प्ले भी इंटीग्रेटेड रहती है, उसमें आप इसके काफी सारे डिफरेंट फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि इन सारे फीचर्स को कंट्रोल करना सीखने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, दिखने में ये जरूर छोटा है, लेकिन सच में गाइस ये बहुत ही हाई एंड आरसी हेलीकॉप्टर है। एंड इतना ज्यादा ये लाइट वेट होता है कि मतलब आप इसे हाथ में लोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि आप कुछ पकड़े हुए भी हो। इसके नीचे दो स्टैंड लगे होते हैं जिनकी मदद से ये ग्राउंड पर बिल्कुल ही स्मूथली लैंड भी कर जाता है। क्रैश वगैरह करने की कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली, क्योंकि इसकी फ्लाइंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहती है। वहीं अगर आपको डाईकास्ट मॉडल्स पसंद है तो आप ये मैक्लारेन का छोटा सा डाईकास्ट मॉडल ले सकते हो, जो कि एक एक डिटेल को इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग ऑल द इंटीरियर्स। इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील से लेकर बटरफ्लाई डोर्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वाइब्रेंट रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आने वाली ये मैक्लारेन एक्चुअल में एक रियल मैक्लारेन का ही छोटा सा वर्जन लगती है देखने में। पीछे साइड इसमें आपको एक V8 इंजन भी देखने को मिलेगा, ऑल्दो वो जाहिर सी बात है ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर ये सारी डिटेलिंग करी गई है सिर्फ इसे विजुअली स्ट्राइकिंग बनाने के लिए, और इसे बनाने वालों ने ये चीज अचीव भी कर ली है। अब देख लेते हैं इस कमाल के हैवी ड्यूटी आरसी ट्रक को। ये है
रेड कैट कस्टम हॉलर पुराने जमाने के एक शेवरली ट्रक पर बेस्ड होता है इसका डिजाइन। एंड आपके कलेक्शन में जितनी भी दूसरी आरसी कार्स हैं, दूसरे आरसी ट्रक्स हैं, उन्हें ये अपने ऊपर कैरी भी कर सकता है। कैसे? वेल, वो आप खुद देखो। पीछे साइड मौजूद इसके बड़े से ट्रेलर में आप दूसरी आरसी कार्स को रखकर उन्हें कैरी भी कर सकते हो। मतलब आज मैं आपको जितने भी आरसी टॉयज दिखाऊंगा वो सारे के सारे इस ट्रक के ऊपर ही रखकर भी आप इसे चला सकते हो, जो देखने में बिल्कुल एक असली ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह लगता है। देखा जाए तो ये छोटा सा आरसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब आप इसमें भारी से भारी आरसी टॉयज या दूसरे स्टफ को भी रख सकते हो एंड ये उन्हें बहुत स्मूथली कैरी कर लेगा। वहीं अब देख लेते हैं ऐसी कार जो कि जमीन पर नहीं चलती बल्कि दीवारों पर चलती है। ये क्लाइंबिंग कार है जो कि अपने लेजर रिमोट से कंट्रोल की जा सकती है। इसके रिमोट से निकलती है एक लेजर बीम और ये लेजर बीम आप जहां जहां पॉइंट करोगे ये कार भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे आएगी। ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। यानी है तो ये पूरी तरह से वायरलेस ही, लेकिन लेजर पॉइंटर के पीछे आने वाला इसका फीचर मुझे काफी आई कैचिंग लगा। ओवरऑल इसे आप डेफिनेटली किड्स के लिए ले सकते हो, बल्कि देखा जाए तो ये किड्स के लिए ही है। अब वही बात करें इस आरसी कार की, तो वेल इसकी लाइटिंग मतलब है तो बिल्कुल बच्चों वाली, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पहली बात तो इसे कंट्रोल करने के दो तरीके हैं गाइस। या तो आप इसे इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो या फिर एक वॉच जैसा डिवाइस आपको मिल जाएगा उसे आप हाथ में पहनकर भी कंट्रोल कर सकते हो इसे। और सबसे अच्छी बात, ये एम्फीबियस होती है, यानी ये पानी में एक बोट की तरह तैरती है और रोड पर एक आरसी कार की तरह चलती भी है। इसे भी आप मल्टीपल टेरेन्स में चला सकते हो एंड इसे भी बहुत बहुत सारे स्टंट्स करने आते हैं। तो चलो इसके स्टंट्स का मजा लो। अब ये एक कार है या एक डॉगी है मुझे नहीं पता, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसमें होते हैं टोटल 8 व्हील्स, 4 एक साइड एंड 4 दूसरी साइड। मतलब बेसिकली जहां नॉर्मल कार्स में एक व्हील होता है वहां एक व्हील की जगह इसमें दो दो व्हील्स का पेयर लगाया गया है, जिसके चलते इसमें जस्ट डबल 8 व्हील्स हो जाते हैं। और इन्हीं अपने 8 व्हील्स को ये ट्रांसफॉर्म करते हुए लिटरली किसी भी जगह पर चढ़ जाता है। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर जा सकता है जहां पर नॉर्मल कार्स वगैरह नहीं जा पाती। इसमें आप पानी भी भर सकते हो। वाटर फिल करने के बाद इसके पीछे से वेपर की फॉर्म में स्मोक निकलता है। तो चलो कमेंट करके मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये एक स्टंट कार है या फिर एक आरसी डॉग है। एंड दोस्तों अब आखिरी में देख लेते हैं एक और रगेड आरसी ट्रक। इसमें भी होते हैं काफी फैट एंड वाइड टायर्स जिनकी ग्रिपिंग होती है कमाल की। इन टायर्स के अलावा इसकी हाईलाइट्स, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें कमाल के शॉक एब्जॉर्बर्स लगे रहते हैं जिनकी मदद से जब ये बहुत हाई जंप्स मारने के बाद ग्राउंड पर लैंड करती है तो टूटने जैसी तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। और इसकी बॉडी का मटेरियल भी इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है दोस्तों कि इसे आप मतलब कहीं पूरी स्पीड से भी क्रैश कर दोगे ना तो भी, मजे की बात तो ये है कि ये टूटेगी ही नहीं। मतलब इसे आप किसी बच्चे को भी दे दो वो इसे 10 बार भी क्रैश करेगा तो इसमें कोई डैमेज नहीं होने वाला। एंड इसके साथ ही गाइस अब है आपकी बारी वीडियो करने के लाइक, सो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए कूल गैजेट्स के साथ। बाय।